ये लोग जमीन पर नहीं रहते हैं, ये लोग रहते हैं इन दिस बोट। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ एक बहुत खास जगह पे। ये जो जगह है ना, दैट इज कॉल्ड द बैंक ऑफ रिवर। सो व्हाट इज बैंक ऑफ रिवर? बैंक ऑफ रिवर होता है एक जगह जहाँ पर नदी और समुंदर का संगम होता है। और बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा नदी है, सबसे बड़ा रिवर है, इसका नाम है पद्मा। उसके बाद ही जो इसका नंबर आता है उसका नाम है मेघना। मेघना जो रिवर है वो जब बे ऑफ बंगाल के साथ मर्ज हो रहा है, मिल जा रहा है, उस जगह का नाम है तुलातुली। इट इज़ कॉल्ड द बैंक ऑफ रिवर। ये जीरो पॉइंट है, मीन्स वहाँ पर जाकर बांग्लादेश का जो ज़मीन है वो ख़त्म हो जा रहा है और शुरू हो जा रहा है बे ऑफ बंगाल। सो सुने हैं उस जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही प्यारा है। एक्चुअली बांग्लादेश है ही बहुत ब्यूटीफुल सिटी। यहाँ का जो लोग हैं, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो लैंडस्केप है, एवरीथिंग हैज सम डिफरेंट डायमेंशन। ट्रस्ट मी, इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो यू नो जस्ट लाइक सो मच क्लोज टू नेचर। जनाब मैं तो आ चुका हूँ इस जगह पे, जस्ट लुक एट द प्लेस, ओ माय गॉड, इट्स सच अ ब्यूटीफुल ऑसम। ये देखिए सागर जी भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। सागर, हाउ आर यू फीलिंग ओवर हियर? ऑसम, ऑसम प्लेस। यस गाइस, द प्लेस इज ऑसम, जस्ट लुक एट द ब्यूटी, जस्ट लुक एट द ब्यूटी। इफ यू आर फ्रॉम सिटी, कैन यू इमेजिन व्हाट द ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर दैट वी आर एंजॉयिंग राइट नाउ? आकर पता चला एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड प्यारा सा फैक्ट कि आपको पता है ये जो रिवर है जिसका नाम है पद्मा रिवर, यहाँ का जो बोटमैन, जो फिशरमैन का लाइफस्टाइल होता है, देयर लाइफस्टाइल इज क्वाइट डिफरेंट। यू कैन सी ये जो बोट है, यहाँ पर ये लोग रहते हैं, इन लोगों का फैमिली यहाँ पर होता है, जन्म से मरण तक ये लोग कहीं पर नहीं जाते हैं, एक ये पूरा लाइफ स्पेंड कर देते हैं ये सब बोट में विद देयर फैमिली। ये लोग का जिंदगी है ये बोट, इन लोगों का लाइफस्टाइल इज नॉट लाइक अस। जस्ट इमेजिन, यहाँ लोग जमीन पर आते ही नहीं है, यहाँ पर ही सोते हैं, यहाँ पर ही पकाते हैं, यहाँ पर ही खाते हैं, पूरी जिंदगी दे स्पेंड ऑन दिस रिवर एंड ऑन दिस बोट। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here. World seems small. फ्रेंड्स यहाँ पर आकर ट्रस्ट में मुझको याद आ रहा है अमिताभ बच्चन का एक फेमस डायलॉग एक एडवर्टाइजमेंट से। वो बोलता है ना जस्ट लाइक कुछ देर तक गुजारो गुजरात में। सो गाइस फ्रॉम टेकिंग दिस लाइन फ्रॉम हिज एड, आई वुड लाइक टू से गाइस कुछ देर तक गुजारो बांग्लादेश का ये ब्यूटीफुल जगह पे। You
दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ, ये जो फिशर मैन का जो कम्युनिटी है आप देख सकते हो, पूरा बहुत सारा बोट है, ये लोग काम कर रहे हैं पूरा फैमिली के साथ। ये आप देख सकते हो छोटा सा बच्चा, ये जो बोट के अंदर जो पानी जमा हो जाता है उसको निकालने में ये काम कर रहा है उसके फादर के साथ, एंड ही इज़ मोस्ट प्रोबब्ली ही इज़ डैड एंड शी इज़ मोस्ट प्रोबब्ली ही इज़ मदर। बट इन लोगों का बेसिक जो एडुकेशन है ऐसा नहीं होता है जैसे एक शहर का जो बच्चा होता है स्कूल में जाते हैं कॉलेज में जाते हैं, बट ये लोग भी सीखते हैं अबाउट द नेचर, ये लोग सीखते हैं नेचर से, ये लोग सीखते हैं अपने फैमिली से। दे आर हैविंग सम डिफरेंट सेट ऑफ माइंड, दे आर हैविंग सम डिफरेंट लाइफस्टाइल। जनाब आप देख सकते हो अभी मैं बैठा हुआ हूँ ये जो मछुआरे का जो बोट है इसके ऊपर, और ये शायद मोस्ट प्रोबब्ली जो कार का जो स्टीयरिंग होता है ना, ये इस बोट का स्टीयरिंग है। अभी मैं कैमरा के पीछे सागर भाई है, तो सागर भाई से मेरे साथ कुछ देर पहले बात हो रहा था अबाउट द नेचर। ट्रस्ट मी, ये उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है इतना ब्यूटिफुल एटमोसफियर में। जस्ट सोचिए शाम का वक्त है, अभी मैं बैठा हूँ मछुआरे के इस बोट के ऊपर, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है अभी। आप जिस तरफ भी देखो आपको मिलेगा सिर्फ बहुत सारे बोट एंड सच ए ब्यूटीफुल एटमोसफियर। यहाँ का जो मछुआरे हैं बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत ही लवली है। कैमरा देख कर वो लोग थोड़ा सा शर्मा रहे हैं, बट एक्सपीरियंस इज गाइस जस्ट ऑसम। लाइक अ बर्ड ऑन अ ट्री आई एम जस्ट सिटिंग हियर, I got time, it's clear to see from up here. The world seems small, we can sit together. It's so beautiful, you and me, we meant to be. Great outdoor, forever free. दोस्तों यहाँ पर आकर मुझको पता चला मैं यहाँ पर सिर्फ अकेला नहीं हूँ, इंडिया से और भी बहुत सारे टूरिस्ट आए हैं, एंड ही इज़ वन ऑफ देम। ये जनाब कोलकाता से आए हैं, और आपका नाम क्या है? मृत्युंजय पाल। अच्छा मृत्युंजय जी कोलकाता से आए हैं देखने के लिए द ब्यूटी ऑफ पोद्दार रिवर। सो गाइज एक चीज़ जनाब से पता चला, दैट इज़ सो मच इंटरेस्टिंग, बांग्लादेश का जो नेशनल फिश है दैट इज़ हिल्सा, और हिल्सा का जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है बांग्लादेश में यही पोद्दार रिवर में होता है। बट अभी इस वक्त ये हिल्सा का प्रोडक्शन बंद है, ये जो मछुआरे रहे वो लोग फिश को पकड़ नहीं रहे हैं। अच्छा क्यों क्यों, व्हाई दे आर नॉट कैचिंग द फिश, क्यों उन लोग पकड़ नहीं रहे हैं? প্রশাসন থেকে এটা মানা আছে, এটা হচ্ছে আপনার আচ্ছা এই সময় ডিম হয়। আচ্ছা ওকে 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 ওকে, ডিমটা যাতে নষ্ট না হয়, যাতে বাচ্চাটা নিয়ে আসে। ওকে সো গাইস यहां पर इसने जो बोला, लेट मी ट्रांसलेट यू इन हिंदी, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो बांग्लादेश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ये मछली पकड़ना बंद कर दिया है, क्योंकि ये टाइम में क्या होता है मछली दे आर जस्ट लाइक दे ले एग्स, वो लोग अंडे पर देते हैं, अंडे देते हैं, अगर मछली पकड़ लेगा तो क्या होगा, यहाँ का जो
प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, इसलिए मछली पकड़ना बंद है। पर ये पीछे जो पूरा जो मछुआरे का जो एरिया है, ये सभी डिपेंडेंट है ऑन दिस रिवर, दे ऑल डिपेंडेंट ऑन दिस एंटायर यू नो जस्ट लाइक ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल। सो गाइस, ये वीडियो अभी तक, अभी हम लोगों को निकलना पड़ेगा यहाँ से। अगर ये वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अगर अभी तक चैनल का सब्सक्राइबर नहीं बने हो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।